basically canal design mein based tha. Canal design is a part of water resources engineering, which consists of engineering, irrigation engineering and hydrology program. इन दोनों में से हमने पहले इरिगेशन इंजीनियरिंग वाले पार्ट को देखा और उसमें से केनाल डिजाइन वाला पोर्शन आज हमने देखा. केनाल डिजाइन में मेन प्रॉब्लम क्या रहती है कंपेयर टू पाइप सेक्शन या फिर ओपन चैनल फ्लो सेक्शन, यहाँ पे पानी के साथ बहुत सारा सेडिमेंट भी आता है. सेडिमेंट मतलब सिल्ट टाइप पार्टिकल्स, इनऑर्गेनिक सॉइल पार्टिकल्स कह लो, सिल्ट पार्टिकल्स कह लो, ये भी आता है और ये हमारे लिए प्रॉब्लम है क्योंकि ये इफेक्टिव डेप्थ को कम कर देता है. और इफेक्टिव डेप्थ ऑफ कैनाल कम हो जाएगी तो कम वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, एफिशिएंसी कम रहेगी, जो क्रॉप्स की ग्रोथ है वो अफेक्ट होगी और हमारे प्रॉफिट्स कम होंगे. ठीक है, कैनाल डिजाइन के लिए दो थ्योरीज है. सबसे पहली थ्योरी जो थी वो कैनेडी ने थी. कैनेडी जो था पंजाब पीडब्ल्यूडी में अफसर था और उसने ये थ्योरी थी कि हमें जो कैनाल डिजाइन करनी है उसके लिए हम एक रिलेशन ले लेते हैं वेलोसिटी का, वी इक्वल टू जिनकी वैल्यू अपर बड़ी दो केनाल क्योंकि पंजाब में है उसके लिए उसने 0.55 C1 की वैल्यू और 0.64 C2 की वैल्यू, ये दो वैल्यू थी. ठीक है, इस तरह से उसके पास वेलोसिटी आ गई और डिस्चार्ज हमारे पास ऑलरेडी होता है. डिस्चार्ज अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, एरिया इंटू बहुत सारी चीजें होती है, सेंचुरी मीटर से कर लो या फिर उस तरह से एक्सपेरिमेंटली जैसे भी करना चाहो, और 20 मीटर से कर लो, डिस्चार्ज कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, डिस्चार्ज हमारे पास है, वेलोसिटी हमारे पास आ गई, डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी एरिया और ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है तो इसके लिए आ जाएगा बीडी प्लस डी इंटू अंडर रूट सॉरी बीडी प्लस एनडी स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है, इसको एरिया भी इक्वेट कर लेंगे. फिर हमारे पास पेरीमीटर आता है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का जो कि एरिया वाले फॉर्मूले से आप निकालो विड्थ. ठीक है, और उसको पेरीमीटर वाले फॉर्मूले में पुट करो. विड्थ निकालो क्यों बोला, क्योंकि डेप्थ तो हमने ऑलरेडी शुरू में अज्यूम करी है. ठीक है, जनरलाइज फॉर्मूला वेलोसिटी का हमारे पास है, वी नॉट इक्वल टू 0.55 m इंटू डी टू द पावर 0.64 और m जो है वो आपका क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है ना. क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो क्यों लिया, ताकि हम उसको हर केस के लिए जनरलाइज कर सके फॉर्मूले को. ठीक है, आपके पास विड्थ ऑफ सेक्शन आ गया, डेप्थ ऑफ सेक्शन आ गया, डिजाइन हो चुकी है. लेकिन अब आपको क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है, डिजाइन को चेक करना. तो उसके लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, चाहे आप चेंजेस फॉर्मूला लगाओ v इक्वल टू c रूट m i अगर चेंजेस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है तो, और नहीं दे रखी है तो 30 से 40 के बीच में c की वैल्यू अज्यूम कर. ठीक है, या फिर आप मैनिंग्स फॉर्मूला लगाओ अगर आपको n की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में तो. ठीक है, v इक्वल टू 1/n r^2/3 × s^1/2. फिर थर्ड फॉर्मूला कटर्स इक्वेशन. कटर्स इक्वेशन और चेंजेस इक्वेशन जो है वो नियरली सेम होते हैं, v इक्वल टू c√rs और कटर्स कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है 23 प्लस 0.00155 अपॉन s प्लस 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 अपॉन s ब्रैकेट क्लोज n अपॉन √r. ठीक है, इस तरह से c की वैल्यू निकाल लो और उसको कटर्स इक्वेशन में पुट करो, आपके पास वेलोसिटी है. दोनों वेलोसिटीज को कंपेयर करो, इफ द वैल्यूज आर नियरली इक्वल देन योर अजम्पशन ऑफ द डेप्थ वाज राइट एंड इफ दे आर नॉट नियरली इक्वल देन योर अजम्पशन वाज रॉन्ग, यू हैव टू री कैलकुलेट द होल सिनेरियो अगेन. ठीक है, इस तरह से आपकी डिजाइन होगी. अच्छा, आप जो न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे ना, चार पांच न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑलरेडी अंदाजा हो जाएगा कि कितने डिस्चार्ज के लिए कितनी डेप्थ अज्यूम करनी है, तो आपको ट्रायल की प्रॉब्लम ही है. और एक चीज और, अगर क्वेश्चन IAS में आया है और ज्यादा मार्क्स का आया है तो आप पहले रॉन्ग डेप्थ अज्यूम करेंगे, उससे गलत सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे, फिर राइट डेप्थ अज्यूम करेंगे और फिर सही सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे इन ऑर्डर टू ऐड कंटेंट टू योर आंसर. आपका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा बड़ा हो जाए इसके लिए आपने ये चीज करनी है. ठीक है, एक ट्रायल तो उस केस में लेना पड़ेगा अगर ज्यादा मार्क्स का है तो. फिर कैनेडीज थ्योरी को हमने स्टडी किया न्यूमेरिकल की, उसके बाद देखा कैनेडीज थ्योरी में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे. क्या ड्रॉबैक्स थे, कैनेडीज काफी चीजों को अज्यूम कर रहा था, जैसे कि स्टैंडर्ड वेलोसिटी जिन इक्वेशन से निकाल रहा था
उन इक्वेशन में भी काफी खामियां थी, काफी ड्रॉबैक्स थे जो कि इसमें डायरेक्टली एड अप हो। दूसरा, एनईडी ने क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो के लिए कांस्टेंट दिया एम, लेकिन वो जो कांस्टेंट था उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, वो कहां से आया, कैसे आया, ये इसमें नहीं बताया। ठीक है, तीसरी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच था, मतलब आपका आंसर सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, रिटर्न ट्रायल मेथड आपको वापस सोल्यूशन करना पड़ेगा अगर आपका आंसर सही नहीं आया तो। ठीक है, इतनी सारी खामियां होने की वजह से नई थ्योरी आई जो कि थी लेसी थ्योरी। लेसी ने अपनी थ्योरी की किससे, अपर चिनाब कैनाल पर, अपर चिनाब कैनाल पर उसने थ्योरी दी। कैनेडी की थ्योरी में क्या स्पेसिफिक बात थी कि वो जो चैनल था वो नॉन सिल्टिंग नॉन स्कोरिंग चैनल था, और इस केस में जो चैनल था वो सिल्टिंग और स्कोरिंग यानी कि नॉर्मल चैनल था, जनरलाइज चैनल था। ठीक है, फिर लेसी ने अपनी थ्योरी के लिए काफी फॉर्मूले दिए, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला उसने दिया वेलोसिटी का, ठीक है, दो चीजें हमेशा गिवन होंगी, या तो क्यू और सिल्ट फैक्टर एफ, या फिर क्यू और एवरेज डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, फिर आपका वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी के बाद उसने हाइड्रोलिक मीन रेडियस का फॉर्मूला दिया, आर इक्वल टू 5/2 v² / x। ठीक है, फिर आपका पेरीमीटर जो वेटेड पेरीमीटर है इसका फॉर्मूला दिया 4.75 √3, और एस का फॉर्मूला दिया f^3/3340 q^1/6। एक आपको दिया रिजाइन स्मॉल डेप्थ का फॉर्मूला 1.35 × q^2/f^1.3। ठीक है, ये जो फॉर्मूले थे। अच्छा, इसमें ये अगर आपको साइड स्लोप नहीं दिया हो तो आपको हमेशा 2:1 या 3:1 मानना है, इसकी वैल्यू n:1 थी, n:1 = 2:1, 3:1, 4:1, इस तरह से मानना। ठीक है, फॉर्मूले आपके पास दिए हुए, इसमें सॉल्यूशन क्या रहता है, सबसे पहले आपने वेलोसिटी निकाली, फिर एरिया निकाला q/b करके, एरिया को ज्योमेट्रिक फॉर्मूला जो है bd + nd² उसके इक्वल किया, और उसके पास आपके पास b और d की फ्रेम में एक इक्वेशन आई, फिर पेरीमीटर निकाला 4.75 √2 से, और उसको इक्वल किया किसके, b + 2d√n² + 1। आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन्स है b और d। ठीक है, सॉल्व करो, बी और डी की वैल्यू आएगी, फिर आर की वैल्यू निकालो किससे, 5/2 v² / f से, और इसको कंपेयर करो किससे, r = a/p से, दोनों वैल्यूज अगर इक्वल है तो आपका सॉल्यूशन सही है, अदरवाइज प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसने बेड स्लोप का फॉर्मूला भी दिया, बेड स्लोप आपका है s^5/3/3340 q^1/6। ठीक है, इस तरह से आपका सॉल्यूशन आ गया। लेसी थ्योरी में भी कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि लेसी ने सिल्ट फैक्टर को अज्यूम किया लेकिन सिल्ट चार्ज और सिल्ट ग्रेड के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरी बात, लेसी ने जो बेसिक सेक्शन अज्यूम किया वो सेमी इलिप्टिकल सेक्शन था, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतना, है ना, उसमें लॉसेस बहुत ज्यादा है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर ये बात करने के बाद हमने लाइनिंग ऑफ कैनाल की बात की, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन, या तो हम केनाल को इस तरह से डिजाइन करें कि प्रॉब्लम आए ही नहीं, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको सॉल्व करें, और सॉल्व किस तरह से करें, लाइनिंग ऑफ केनाल, कोई भी इम्पर्वियस सरफेस से आप कोटिंग कर दो, चाहे टाइल से करो, चाहे कंक्रीट से करो, किसी भी सरफेस से या चाहे स्टोन से करो, आप हम इसकी लाइनिंग कर दो यानी उसको सरफेस से बिछा दो, आपका ग्राउंड के अंदर ड्रेनेज भी रुक जाएगा, उस तरह से जो लॉस है वो भी रुक जाएगा, और आपका जो ये सिल्ट वाला स्कोरिंग का लोड है वो भी रुक जाएगा, स्कोरिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी रुक जाएगा। सिल्टिंग की प्रॉब्लम फिर भी रहती है, जिसका सॉल्यूशन हमारे पास होता है सिल्ट इजेक्टर। ठीक है, सिल्ट इजेक्टर जो होते हैं वो आपके बेड में जो सिल्ट पड़ी हुई है ना उसको बाहर निकाल दो, जितनी जमा होगी उसको आप निकाल दो। ठीक है, मैक्सिमम रिवर्स जो है इंडिया में वो नॉन पेरिनियल रिवर्स है, नॉन पेरिनियल का मतलब पूरे साल नहीं रहती, साल के कुछ ही टाइम में पानी आएगा, बाकी टाइम पे वो सूख भी जाती है, जब सूखी हुई है तब आप सिल्ट निकालो। ठीक है, जब भी पानी आएगा उसको सफिशियंट डेंसिटी चाहिए मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके थोड़ा आज का लेक्चर का टोटल जो नटशेल में था, इसको आप देखो, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करो।